star and Shiksha superhero who's joining us today, Tiger Shroff. So Tiger, tell us why you're here today as a Shiksha superhero. Well, that's because I am a superhero, a Shiksha superhero. And I'd like to say that every one of you can be a Shiksha superhero, as it's as easy as this. Basically, all you have to do is go out and buy a product, you know, like Oral-B or Vicks, and you can help make a difference and support these children and their education by just buying these simple products, which you use in your everyday lives. So, yeah. Yeah, so small efforts can touch someone's life. Absolutely. Yeah. So, can you just repeat to us again how everyone here can be a Shiksha superhero? Okay, so it's quite simple. Like I just said, aap sab ek superhero ban sakte ho for these children, khas kar, kyunki the products you use in your everyday life, such as Oral-B, Vicks, Old Spice, you know, a lot of the common things that you all use in your daily lives, can really help make a difference in all of their lives and, you know, help educate each child. And I think it's a fantastic job what Shiksha has done, especially because it's not just, you know, you don't have to be just a teacher, you don't have to be a parent, you can be anybody, you can be any one of us who can help make a difference in one of these kids' lives. So, yeah. Yeah, great. So by making a simple brand choice of buying PNG products, we're all going to be Shiksha superheroes. Tiger, could you also tell us why education is so important and what it means to you? Well, I think education is really important because, you know, it sort of gives direction to children, to youth. It guides them in the right way. It channelizes their positive energy in the right direction. And yeah, I mean, I'd like to also stress that to me, मेरे लिए खासकर सब कुछ एजुकेशन ही था. एजुकेशन 50% था और दूसरा 50% ये था कि आई वांटेड टू डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. हमेशा बचपन से स्पोर्ट्स का बहुत शौक था. फुटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, भागता था, मार्शल आर्ट्स करता था. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ वेरी होलिस्टिक सॉर्ट ऑफ अ एजुकेशन इन योर लाइव्स. पढ़ाई एक तरफ और यू नो एक्टिविटीज़, खेल एक तरफ. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द टू. या दैट्स ग्रेट. सो वी आल्सो हैव, एज यू कैन सी, अ फ्यू स्टूडेंट्स हुज लाइव्स हैव बीन थैंक्स टू पीएनजी शिक्षा. या थैंक्स टू दिस प्रोग्राम. आई मीन आईड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू ऑल बाय द वे ऑन योर 13th एनिवर्सरी. आई मीन यू गाइस हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब ओवर 1000 स्कूल्स एंड यू नो अ मिलियन स्टूडेंट्स. सो कांग्रेचुलेशन शिक्षा, यू गाइस हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. या ग्रेट. So we'd actually like to do a fun activity with the kids. They okay. all have a special request for you. Sure. क्या request है भाई? आप आपकी new film आ रही है, उस गाने का कुछ हमको step सिखा. अच्छा, कौन सा गाना आप बताओ? Ding Dang है, मुन्ना माइकल का वो मैं हूँ गाना है.
दोनों में से कौन सा गाना है? डिंग डैंग सीखना आपको? हाँ. डिंग डैंग है डीजे के पास? वी हैव मैं हूँ. मैं हूँ थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू डिंग डैंग. आई थिंक डिंग डैंग विल बी इजियर. और कोई बात नहीं, आई कैन मे बी डू एन ईजी स्टेप ऑन मैं हूँ. और चलो ट्राई करते हैं. आई विल टीच यू एन ईजी स्टेप. ठीक है. मैं बहुत बदमाश बदतमीज स्टूडेंट था यार, सच बताओ तो. मेरा ध्यान हमेशा स्पोर्ट्स पे ही था. हालांकि पढ़ाई में मैं ठीक ठाक कर लेता था. 60% लाता था मैं, ऐसे तुक्के मारता था हमेशा. टाइगर आपके सामने. हाय. यहाँ टाइगर, क्योंकि आपने एजुकेशन की बात की, शिक्षा की बात की, हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में अभी आप स्टूडेंट्स के बीच में घिरे हुए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स लाइफ की कुछ ऐसी मेमोरी है अगर आप शेयर करना चाहें, कुछ अगर आप बताना चाहें कि स्कूल और कॉलेजेस के दिन. वो ही बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे स्कूल में सब स्टूडेंट्स और मैं मिलकर. आई थिंक काफ़ी सारे दोस्त थे मेरे स्कूल में, तो वी यूज़ टू ऑल
यू नो डू थिंग्स इन ग्रुप्स, मस्ती करना, स्पोर्ट्स खेलना, सब साथ में करते थे. अच्छा ऐसे आपसे पूछना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहे कभी आप अपने स्कूल या कॉलेजेस में? अगर सॉरी मैं समझा नहीं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर आप अपने स्कूल और कॉलेजेस में रहे? हाँ मैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का ट्रॉफी हमेशा लेता था. बाकी आई थिंक क्लास में मैं ठीक ठाक कर लेता था मैं, पर ज़्यादा ध्यान में मेरा स्पोर्ट्स पे ही था सर. क्योंकि स्टूडेंट की बात हो रही है तो आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी कर रहे हैं, तो अगर आप हमें कुछ बताना चाहें कि आई थिंक शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है. फिलहाल मुझे कुछ खुद पता नहीं सर उसके बारे में, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में. इसके बाद बागी शुरू होने वाली है. आई थिंक ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है. आई थिंक आप सब एक डिफरेंस, यू नो यू गाइस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन सब बच्चों के लाइव्स में, और बहुत आसान तरीके हैं थैंक्स टू यू नो पीएनजी. जस्ट हैव टू बाय देयर प्रोडक्ट्स. विक्स, जैसे मैं कह रहा था, विक्स ओरल बी जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप परचेज करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा इनकी एजुकेशन में. तो या इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और 1 मिलियन स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बात है सर, इन ओवर 1000 स्कूल्स. Tiger, hi, this is Agita from Republic. My question is that we are supporting Shiksha and PNG and education. Right. Do you think we should educate the youth of our India about how to use social media? Because Twitter has become a communal breeding ground right now. Recently, Soha Ali Khan has been trolled for wearing a pink sari and not wishing Eid. And people have called her like, you are anti-Muslim and all that. What's your take on that? Oh, I wasn't aware of that. But now, if you can tell something. Okay, what is my take? I think everybody has the freedom of speech. Everybody has the right to do or don't do whatever they like. You know, Soha ma'am is a respected actor and an artist in our industry and a respected citizen. That being said, I don't think she has done anything wrong personally by, you know, wearing something like that. So I honestly don't see anything wrong, but everybody has their own opinions to make. हाय टाइगर, नेहा यो. एजुकेशन की बात की जाए तो आपके डैडी ने आपको कितना सपोर्ट किया एजुकेशन को लेकर, और क्या कुछ टिप्स दी गई थी आपको? डैडी, आई थिंक डैडी से ज़्यादा मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी एजुकेशन के मामले में, क्योंकि मैं जब भी स्कूल मैं नहीं जाना चाहता था तो हमेशा डैडी को ऐसा पकड़ता था, और क्योंकि डैडी मेरे सुपर हीरो थे तो आई टू ऑलवेज गेट अवे विद इट. यू नो माय डैड हमेशा प्रोटेक्ट करते थे मुझे, बोलते थे मम्मी को कि उसको जान दो यार, व्हाट मतलब लेट हिम बी, एक दिन बंक किया तो क्या. हालांकि ये गलत बात है, प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट बंक, डू नॉट बंक स्कूल. आई वाज अ बैड बॉय बट हाँ यस. हाय टाइगर, Yeah. Hi, what tips would you like to give to the students that you have come off in general about studies and sports and all? Yes, like I mentioned earlier, I want them, main aap sab se ye kehna chahunga ki education bahut hi holistic cheez hoti hai. So I want you all to pay attention to not only studies but sports bhi. So yeah, I want them to basically balance their lives, and you know, after all, health is everything. So for me, health comes first. Sports education and you know, mental education needs to be on par, 50-50. Tiger, ab tak aapko action ka superhero kehkar log bulate the, aaj jo hai aapko shiksha ka superhero kehkar bulaya ja raha hai, to kitna matlab alag feel kar rahe hain hamesha jo aapko kaha jata hai usse? Bahut khush hu kyunki bahut hi badhiya initiative hai ye, aur I'm very happy to be a part of something that's so noble and that's so needed in today's time. Jim. Okay, Tiger, the Bombay High Court has suggested that mathematics be made an optional subject in school certificate examinations. What is your mathematics view? Sorry, mathematics be made an optional subject for board exams. For board exams, kya baat hai, kaash mera time mein aisa hota yaar. That'd be amazing. No offense to all the maths teachers, that was a joke, but actually I'm serious. Kaash maths nahi hota mera time pe, because I was not a very good maths student, but it is very important. I think maths is one of the major subjects that all, you know, kids and people my age have to think about, because you know, when we earn our money, how do we take care of our money? It's all maths, right? Tiger, ek sawal is event se hatke lekin film industry se hi juda hua hai.
क्योंकि आज बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म लागू होने जा रहा है मिडनाइट के बाद जीएसटी, तो फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। जो प्रोड्यूसर्स बॉडी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, उन्होंने कहा है कि जीएसटी से बहुत नुकसान होगा फिल्म इंडस्ट्री को। आपके कोई व्यू हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी फिलहाल तो आई गेस इन अ वे टिकट्स भी, टिकट्स के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे शायद, तो कीपिंग दैट इन माइंड, बढ़ जाएंगे सॉरी, सो कीपिंग दैट इन माइंड इट विल डेफिनेटली मेक सम सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस, टिकट सेल्स को, द अमाउंट ऑफ पीपल हु गो वॉच आवर फिल्म्स। तो आई डोंट नो राइट नाउ, आई गेस इट्स नॉट द बेस्ट थिंग फॉर अस, बट इट्स ओके। अगर आपका पिक्चर सच में, यू नो, पीपल वॉन्ट टू वॉच इट, अगर आपका फैन फॉलोइंग तगड़ा है सलमान भाई की तरह या शाहरुख सर की तरह, यू नो, आई थिंक इफ यू आर सुपर स्टार, आई एम श्योर पीपल विल कम रनिंग टू वॉच योर फिल्म्स एनीवे, एंड इफ योर फिल्म इज जस्ट गुड, आई एम श्योर पीपल विल कम वॉचिंग योर फिल्म एनीवे। सो ओके, थैंक यू टाइगर, वी जस्ट वॉन्ट टू redo the photograph for everyone here, so we just